उसमें हम करोड़ों रुपए दे सकते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपको इतना हैसल फ्री करेंगे कि आप अपने घर बैठे काम करें और पूरा का पूरा सरकारी जो महकमा है वो आपके पास आके आपको देके चला जाए। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आप लोगों को पता चला ना कि दस्तक, हमने नाम शुरुआत में क्यों रखा था दस्तक, दस्तक मतलब क्या होता है, खटखटाना ना, खटखटाना, दस्तक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब खटखटाना, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है आप डिपार्टमेंट के पास जाके उनके पीछे भागो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं, रादर हम लोग यानी तहसीलदार अपनी टीम लेकर वो नंबरदार के थ्रू सरपंचों को थ्रू आपके पास गए और उन्होंने बोला कि आप इस स्कीम में आना चाहते हो, ऐसा किया था कि नहीं किया था, किया था ना। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें पहले के टाइम पर हम शोपियान को कभी भी जानते थे तो लोग थोड़ा कहते थे कि ये मतलब ऐसी जगह है कोई नौकरी करने नहीं आता और लोकल लोग ही आते हैं आसपास के, इन्हें लोकल लोग भी डरते थे, हम सब लोग बाहर से हैं। तो हमने जो ये चीजें की हैं वो जम्मू कश्मीर में शुरुआत में काफी लोग को पता था ना, जो मतलब बहुत से लोग, लेकिन फिर दस्तक को क्या हुआ कि हमने उसमें 70-80% जो है उसको ऑनलाइन किया था और 20% जो था वो ऑफलाइन था, समझ गए ना। ऑफलाइन का मतलब दस्तक में आपको सिंगल विंडो था ही, क्योंकि सारे तहसीलदार से डिपार्टमेंट आपको जब हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर कल को इसको हम बड़े लेवल पर जैसे राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर पोर्ट्री करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। तो हमारा दस्तक क्या है, प्लेटफॉर्म है। आपने क्या किया, दस्तक में ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन का मतलब कि आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद आपको जो एंड में मिलना था वो आपको आसानी से मिल गया, ज्यादा किसी भाग दौड़ के। दुकान है, मेरी दुकान है, मेरे पिताजी ने दुकान किया, बड़े भैया दुकान करते हैं, वो तो नौकरी नहीं की ना, नौकरी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बारे में दस्तक.in पोर्टल पे कैसे अप्लाई किया जाता है और आखिर में जानेंगे उम्मीदवार की दरख्वास्त किन मराहिल से गुजरकर मंजूर या मुस्तरद होती है। दस्तक शोपियां एक मुनफरिद पहल है जिसका तस्वुर सचिन कुमार वैश्य डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शोपियां ने दिया। जिला इंतजामिया शोपियां इस प्रोजेक्ट को जोश खरोश से बरोए कार लाने में लगी हुई है। इस प्रोजेक्ट में शोपियां के बेरोजगार अवाम के लिए दस्तक.in पोर्टल के जरिए एक हमवार राह तैयार की गई है जिसमें